हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति फिजिक्स लेक्चर ये एच का पिजिटिव फिजिक्स का जो एग्ज़ाम हुआ है उसी का सॉल्यूशन मैं कंटिन्यू कर रही हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया हुआ है न्यूक्लियर फिजिक्स का क्वेश्चन है ए रिएक्टर प्रोड्यूसिस एनर्जी एट द रेट ऑफ थर्टी टू मेगावोट देखिए एनर्जी रेट दे दिया है आपको यानी ये है तो पावर लेकिन एनर्जी पर यूनिट टाइम हो गया थर्टी टू मेगा द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फिशंस पर सेकेंड फॉर यूरेनियम टू थर्टी फाइव नाइन्टी टू आ आपको क्या पता करना है कितने नंबर ऑफ़ फ़िशन पर सेकेंड है अज्यूम द एनर्जी पर फिशन इज ट्वेंटी सॉरी टू हंड्रेड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जब एक फिशन हो रहा है तो ए, उसमें एनर्जी एक फिशन में कितनी हो रही मिल रही है टू हंड्रेड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रोड्यूस ऐसी हो रही है नंबर ऑफ़ फिशंस निकालने हैं और जब मैंने इसको सोल्व किया है मेरा आंसर आ रहा है टेनिस्ट टू पावर एटीन मैंने इसका सोल्यूशन भी दिखाया है गिवन एनर्जी प्रोड्यूस्ड एट द रेट थर्टी टू मेगा वोल्ट और ये एनर्जी क्या हो गई एनर्जी पर यूनिट टाइम ही तो होती है पावर थर्टी टू इंटू टेन एस टू पावर सिक्स यानी मेगा को मैंने टेन एस टू पावर सिक्स में कन्वर्ट किया जूल पर सेकेंड एनर्जी पर फिशन क्या है टू हंड्रेड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो मैं इसको जूल में कन्वर्ट करूंगी टू हंड्रेड इंटू टेन एस टू पावर सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जूल्स के इक्वल है वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन एस टू पावर माइनस नाइनटीन दैट कम्स आउट टू बी थ्री ट्वेंटी इंटू टेन एज टू पावर माइनस थर्टीन जूल्स नाउ एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ फिशन पर सेकेंड टोटल एनर्जी इक्वल टू नंबर ऑफ फिशंस हैविंग डिनोटेड बाय इंटू एनर्जी पर फिशन तो नंबर ऑफ फिशंस कितने हो गए थर्टी टू इंटू टेन एज टू पावर सिक्स बाई थ्री ट्वेंटी पावर माइनस थर्टीन तो ये आ रहा है मेरे पास टेन टू पावर एटीन नेक्स्ट पार्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एक्रोमैटिक कंबिनेशन ऑफ टू लेंस प्लेस्ड इन ए कॉन्टेक्ट हैज ए 120 सेंटीमीटर यानी इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या है 120 सेंटीमीटर है द डिस्पर्सिव पावर्स ऑफ द टू लेंसेज आर 0.18 एंड 0.27 पॉइंट टू सेवन यानी अगर मैं फर्स्ट लेंस की डिस्पर्सिव पावर को ओमेगा वन कह रही हूँ सेकेंड को ओमेगा टू तो ओमेगा वन की से ओमेगा टू रेशियो है जीरो पॉइंट वन एट बाई जीरो पॉइंट टू सेवन द फोकल लेंथस ऑफ द लेंसेज आर रिस्पेक्टिव इन सेंटीमीटर ट्वेंटी माइनस फोर्टी माइनस फोर्टी एटी मेरा सोल्व करने पे आंसर आ रहा है फर्स्ट की फोकल लेंथ एफ वन फोर्टी एफ टू आ रही है माइनस सिक्सटी ये मैं सोल्व करके भी दिखा रही हूँ देखिए गिवन क्या है इफेक्टिव फोकल लेंथ गिवन है मेरे पास और वो कितनी गिवन है इफेक्ट वो गिवन है वन ट्वेंटी सेंटीमीटर उमेगा वन बाई उमेगा टू रेशियो डिस्पर्सिव पावर की गिवन है जीरो पॉइंट वन एट बाई जीरो पॉइंट टू सेवन दैट इज इक्वल टू सिक्स बाई नाइन और यू कैन से थ्री बाई टू ये वन बाई एफ क्या गिवन है वन बाई एफ वन प्लस वन बाई एफ़ टू मुझे निकालना है एफ़ वन एंड एफ़ टू वन इफेक्टिव फोकल लेंथ कितनी गिवन है वन ट्वेंटी यानी एफ वन प्लस एफ टू बाई एफ वन एफ टू आ रही है वन बाई वन ट्वेंटी दैट इज़ योअर्स थर्ड इक्वेशन ऑल्सो वी नो रिलेशन बिटवीन डिस्पर्सिव पावर एंड फोकल लेंथ ओमेगा वन बाई उमेगा टू कितना होता है माइनस एफ वन बाई एफ़ टू तो एफ़ वन बाई एफ़ टू क्या हो गया माइनस उमेगा वन बाई उमेगा टू ये वैल्यू क्या आ रही है सेकेंड से माइनस सिक्स बाई नाइन यानी माइनस थ्री बाई टू और एफ टू क्या आ गया यहाँ से माइनस थ्री बाई टू एफ वन यही आ रहा है यस नेक्स्ट मुझे पता है एफ वन प्लस एफ टू की वैल्यू मेरे पास थी वन बाई एफ वन प्लस वन बाई एफ टू वन बाई वन ट्वेंटी और जब मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया है एफ़ टू की जगह एफ वन माइनस थ्री बाई टू एफ वन बाई एफ वन माइनस थ्री बाई टू एफ वन ही दिस वन देट इज इक्वल टू वन बाई वन ट्वेंटी यहाँ से आ रहा है माइनस एफ वन बाई टू माइनस थ्री बाई टू एफ वन स्केल एक से ये कैंसिल आउट हो रहा है और ये आ रहा है वन बाई वन ट्वेंटी एफ वन की वैल्यू आ रही है ये मेरे पास टू बाई थ्री माइनस से माइनस कैंसिल आउट इंटू वन ट्वेंटी बाई टू दैट इज इक्वल टू फोर्टी सेंटीमीटर अब एफ टू क्या था माइनस थ्री बाई टू एफ वन माइनस थ्री बाई टू इंटू इज इक्वल टू माइनस सिक्सटी सेंटीमीटर सो थर्ड ऑप्शन इज़ करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल आया हुआ है वैन ए प्लेन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव इज इंसिडेंट ऑन ए मेटीरियरियरियरियरियल सरफे जब मैं प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को मेटीरियल की सर्फेस पर डाल रही हूँ द वेव डिलीवर्स द मोमेंटम एंड एनर्जी इफ वेव जो है कुछ ना कुछ एनर्जी और मोमेंटम कब देगा अगर पी इक्वल टू जीरो इक्वल टू जीरो पी इज़ नॉट इक्ल टू जीरो इक्वल टू जीरो पी इज इक्ल टू जीरो इज नॉट इक्वल टू जीरो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट यानी मेरा मोमेंटम भी जीरो नहीं होना चाहिए और एनर्जी भी जीरो नहीं होना चाहिए एज इलेक्ट्रोमैगनेटिक वेव हैज बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम सो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर और इससे आपको आंसर की भी पता चल रही है द वे फ्रंट ऑफ ए लाइट कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंट सोर्स ऑफ अनोन सेफ आर नियरलीट इज्रे देखिए जब आपके पास लाइक like सिलेंड्रिकल या स्पेरिकल भी है लेकिन वो जो लाइट का सोर्स है वो डिस्टेंट है यानी काफ़ी डिस्टेंस पे है लास्ट डिस्टेंस पे है तो उसका मोस्टली पार्ट आपको क्या अपीयर होगा प्लेन वे फ्रंट की तरह अपीयर होगा तो आंसर मेरा होना चाहिए सेकेंड ऑप्शन इज़ राइट आंसर ओके इसी तरह से मैं सोल्यूशन कंटिन्यू डालती रहूँगी और आपको आंसर की कन्फर्म हो जाएगी बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कितना सोल्यूशन यूजफुल है थैंक यू